तैयार हो गया है, वो ट्रेन कर जाएगा। ओ जीजा जी, मैं तो थक गई। नो साली जी, नो। अगर भारतीय नारी थक गई तो भारत थक जाएगा। ये थकावट हमारे फौजियों की डिक्शनरी में शब्द नहीं, समझी? बेबी, आज तो मैं टॉयलेट भी ले गया। एक मिनट बेबी, एक मिनट। देखो ये सेब है, ये सेब का बगीचा है, और ये दो रोशनदान हैं, बराबर ये दो कान हैं, और ये देखो हिटलर का कालीन, कालीन बराबर बराबर चलाना। डैडी कितने मर ना जाए बेचारा। ओ बेचारा, ओए हम भाइयों ने जो तुम लोगों पर सीना किया और तुम्हें पूरी ट्रेनिंग दी, इसलिए कि तुम देश की अंदरूनी हालत को सुधार सको, और तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। चला गोली। गई डैडी। डैडी मैं गिर जाऊंगी। डैडी मुझे बचाइए। डैडी क्या कहा? एक फौजी की बेटी होकर बुजदिली की बातें कर रही है? हम फौजी जब छलांग लगाते हैं तो दुश्मन के बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, और तू इतनी छलांग से डर रही है? जम आई से जम। ओ बाप रे, शाबाश मेरे बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे फौजियों ने कभी डिफीट का मुंह नहीं देखा और ना ही देखना पसंद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग जारी रखो। मार नहीं, मार नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि मैं तेरा वाली दूं। याद रख, इस गुलिस्तान में तेरा कोई अपना भी जहर फैलाना चाहे तो कुरान पाक की कसम उसे माफ मत कर, चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। चला। नहीं अबू। चला। नहीं अबू। चला। नहीं अबू। चला। नहीं। भाइयों और बहनों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, दिल थाम लीजिए। अब आपके सामने देश विदेश के मंजे हुए खिलाड़ी अपने अपने जौहर दिखाने खेल के मैदान में आ चुके हैं। ये है नीलम, फौजा सिंह की बेटी। जोश से आगे बढ़ रही नीलम को देखकर दर्शकों की जोश आ गया। नीलम दौड़ी, तेज और तेज, और अपने साथियों को पिछाड़ते हुए तीर की तरह आगे निकल गई, सबसे आगे, और जीत लिया अपने देश के लिए गोल्ड मेडल। अब बारी आई ठाकुर शमशेर सिंह की बेटी सोना की। सोना को गोली की तरह तेज भागते देखकर लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। सोना तेज भागी, भागी और तेज भागी, और जीत के निशान चिन्ह को पार कर गई, और जीत लिया अपने देश के लिए एक और गोल्ड मेडल। यह है अनीता, अपने जीजा मेजर की देख रेख में ट्रेनिंग लेकर आई है। लहराते हुए तिरंगे की तरह अनीता लहरा रही है, और उसे देखकर मैदान में बैठे सभी दर्शक लहराने लगे। अनीता लहराई, लहराई और लहराते हुए जीत लिया अपने देश के लिए एक और गोल्ड मेडल। कौन कहता है हमारे देश की औरतें पीछे हैं? बधाई हो उन माँ बाप को जिन्होंने ऐसी होनहार बेटियों को जन्म दिया है, और तिरंगे की शान को
और बढ़ाया है। फैंटास्टिक, फैबुलस। आप लोगों की जीत की खुशी में मैंने और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक शानदार पार्टी का इंतजाम किया है। आइए चलिए। वाह क्या शानदार पार्टी है, वाह क्या कैरेक्टर है जवानों का। सिर्फ शराब और अय्याशी याद रह गई और ये भूल गए कि सारे देश को हमसे ये उम्मीद है कि हम विद्यार्थी हिंदुस्तान की तकदीर लिखेंगे। ये लिखेंगे हिंदुस्तान की तकदीर? अरे जिन हाथों से शराब का प्याला नहीं संभाला जाता वो देश की तकदीर क्या संभालेंगे। ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्या की अर्थ ही निकालते हैं। बीवी यार तुमने तो गांव वाली लड़कियों की तरह कोसना ही शुरू कर दिया। इतने बुरे लगते हैं गांव वाले? अरे उन लोगों का शुक्रिया अदा करो, वो तुम लोगों की तरह देसी मुर्गी होकर विलायती चाल नहीं चल रहे। नहीं तो क्या होगा? तब यही होगा कि किसान अपना हल फेंक कर तुम लोगों की तरह नाचने लगेगा। फिर फसल कौन उगाएगा, तुम्हारा गांजा या तुम्हारी चरस, अफीम या डिस्को? जवाब दो। अमीरों की महफिल में जब कोई गरीब झूमता नजर आए तो उसका मतलब यह है कि उसने अपनी गरीबी का सौदा कर लिया है। इससे पहले कि अमीर तुझे दौलत का लालच देकर अंधा कर दे, तेरे जिस्म से शराफत का कपड़ा उतार कर तुझे नंगा कर दे और कुत्ते की तरह तेरे हड्डियों को झिंझोड़ डाले, अब भी मौका है, संभल जा। तो मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मैं एक बेसहारा लड़की हूं। तू हमारे साथ चल। हमारे साथ चल। Fantastic, fabulous! You have done a wonderful job. तुम लोगों ने अपने भटके हुए दोस्तों को रास्ता दिखाकर फौजियों की बेटियां होने का हक अदा किया और ये भी साबित कर दिया कि आज से औरतें न घरों में बंद रहेंगी और न ये जुल्म सहेंगी। वाह दो तलगियां वाले दियोए, खुश के ताजे पुत्रों। और तुम लोगों को ये भी साबित करना होगा कि औरतें न सिर्फ मर्दों को जन्म दे सकती हैं बल्कि उन्हें बहादुरी का सबक भी सिखा सकती है। अरे बल्ले बल्ले कुड़ियो, खुश करता जे, खुश करता जे। और भगवान भाई इनकी आरती उतार आरती और ये इम्तिहान पास करके आई है। मेरे दोस्तों याद रखो, मंगू चाचा, अभिष्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। मंगू भाई साहब, ये आप बच्चों को किस इश्क की शिक्षा दे रहे हैं? अरे उसी इश्क की जो धरती माँ के लिए उसकी औलाद के दिल में रहता है। अरे जिसके लिए मेरे शमशेर ने छाती पर गोलियां खाई, औजा सिंह ने अपना पांव और हमीद ने अपना हाथ कुर्बान कर दिया, जिसके लिए डिसूजा ने अपना जवान बेटा कुर्बान कर दिया। हाँ वही इश्क जिसके लिए मेजर छाबड़ा कड़कती धूप हो या बर्फीली रात सरहद पर सीना ताने खड़ा रहता है। आपने भी फौजी होने के नाते देश की खातिर अपनी दोनों टांगे दे दी थी ना? मंगू चाचा ये क्या कम कुर्बानी है? बहुत ही कम। इस धरती पे बड़े बड़े आशिक गुजरे हैं जिन्होंने इस धरती के चप्पे चप्पे को अपने खून से सींचा। मंगू चाचा हमें भी उनके बारे में कुछ सुनाइए ना प्लीज। अच्छा तो सुनो। क्या यही कल्याण केंद्र है? हाँ यही नारी कल्याण केंद्र है। कहिए क्या काम है? ये मेरी लड़कियां हैं, हम बहुत गरीब हैं, मैं चाहता हूँ इन्हें आप नारी कल्याण केंद्र में रखकर इनका उद्धार कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी करने की क्या बात है, हम यहाँ बैठे ही इसलिए हैं। हम आपकी बहुत ज्यादा तारीफ सुनकर आए हैं। वैसे तुम लोग ये जान लो यहाँ के उसूल बहुत सख्त है। कौन से उसूल, दिन के या रात के? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा नाम खादिम हुसैन है और आप जैसी देशभक्तियों की खिदमत करना मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अभी पुलिस को टेलीफोन करती हूँ। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं, हम ये काम खुद कर लेंगे। तो लीजिए जनाब ये है जाने शराब। तुम्हारा नाम क्या है जाने शबाब? उसमें जो आपको जलवा दिखाने के लिए है बेताब। हुजूर ये एग्रीमेंट पेपर है, बिल्कुल इनके शबाब की तरह कुंवारा, जरा इस पे साइन कर दीजिए। हुजूर ये किस चीज के एग्रीमेंट पेपर्स हैं? मेरी जान ये जनाब तो पुल बनाने का ठेका लेना चाहते हैं,
जबकि इनके बनाए हुए पुल हर साल टूटते हैं और हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। पुल टूटेंगे नहीं जनाब, तो मुझे पुल बनाने का ठेका कैसे मिलेगा और आप ऐश कैसे करेंगे? दस्तखत कर दीजिए ना जनाब। हाँ हाँ, कर दीजिए, कर दीजिए ना दस्तखत। ये तो हेड ऑफिस है, बाकी तो सब ब्रांच है, बड़े बड़े एग्रीमेंट यही होते हैं, समझे? कर दीजिए। ग्लोरी 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 हाय जाने शबाब। हाय कसम से ये तो मुझे दीवाना बना देगी। साची तो आपकी बांधी है हुजूर, अब तो ये आग सही नहीं जाती। जनाब साथ में हम भी आप पर कुर्बान हैं। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, कहीं इसमें मैं न जलकर राख हो जाऊं। तुम्हारा मतलब? हजूर बस कुछ नहीं, यूं ही एक दवाइयों का छोटा सा परमिट था, अगर आपकी कलम चल जाती तो। हजूर तुम दवाइयों का परमिट लेकर नकली दवाइयां बनाते हो जिससे हजारों लोगों की जानें चली जाती हैं। कहां से आ जाती है ये कबाब में हड्डी, प्यार भी नहीं करने देते हैं। कर भी दीजिए ना दस्तखत। लाओ फाइल लाओ। वाह, और परिस्तान तो जिम्मे परी जमीन से उतर आई है। परी नहीं सरकार, मैं तो आपके पांव की धूल हूँ। ओए नहीं नहीं, तू तो मेरे दिल दी रानी है। हाय हुजूर, इस गुलाम का तो ख्याल करो, शराब का परमिट तो दे दो ना, तो कल तो मेरे दुकान के शटर पड़ जाएंगे। नहीं, तुम लोग शराब में तजाम ला के बेचते हो और गरीब लोग उन्हें पी के मर जाते हैं। क्या घटिया बात की है आपने, गरीबों का नाम लेके रंग में भंग कर दिया आपने। गरीब लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदा रहते हैं। उनकी जिंदगी तो नर्क है नर्क, और उन्हें हम मार कर स्वर्ग भेजते हैं, और इधर आपको भी तो स्वर्ग का मजा दिलाते हैं। हाय वाह हुजूर, दस्तखत पहले। ओके बना दिया भाई छोरी ने काम। हाय आइए ग्लोरी ग्लोरी खाइए, ग्लोरी खाइए। इसको खाते ही आपको स्वर्ग आने लग जाएगा। खाइए। जूम बराबर जूम शराब, जूम बराबर जूम शराब, जूम 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 जूम। वाह, जो हम नहीं कर सके वो इन लड़कियों ने करके दिखा दिया है। इंस्पेक्टर। यस सर। इन सब देश के गद्दारों को गिरफ्तार कर लो। ओके सर। मजा आता अगर अशोक भैया आते तो, है ना? मुझे उधर आने में देर हो गई, वरना ये फूलों की बारिश जैसे ही तुम लोग पहुंचते वैसे ही हो जाती। अशोक भैया रियली यू आर ग्रेट। ऑफ कोर्स आई एम ग्रेट, लेकिन मैं ग्रेट इसलिए हूं क्योंकि मैं उन चार बहनों का भाई हूं जिनमें से हर एक ने अपने देश का नाम ऊंचा किया। आई एम प्राउड ऑफ देम। चार बहनों के भाई तो बन गए, अब इनका बोझ भी उठाना पड़ेगा बेटे। या मिस्टेकन अंकल, वो बोझ नहीं मेरा फर्ज होगा, और लेफ्टिनेंट अशोक अपना फर्ज निभाना खूब जानता है। अब बोले शेरजा पुत्रा, ऐसे होते हैं हमारे फौजी जवान। डैडी ज्यादा तारीफ मत कीजिए भैया की। बहनों का बोझ बाद में उठाना भैया, पहले इसका बोझ तो उठाओ। आपने बड़े बड़े ऑफिसरों को गिरफ्तार करके ये अच्छा नहीं किया। आपकी तारीफ। मैं उनका वकील खेमचंद हूँ, और आपसे ये कहने आया हूँ कि आप ये केस वापस ले लीजिए। क्यों वापस ले लूं? क्या वो गुनाहगार नहीं है? है या नहीं इसका फैसला तो अदालत में होगा। अदालत? जहाँ आप गवाहों को खरीद कर बेकसूर को सजा दिलवा देते हैं और कसूरवार को रिहा करवा देते हैं, वो भी चंद सिक्कों के लिए। आप इंसाफ और कानून की पैरवी करने की बजाय अपने जमीर को बेच डालते हैं। लेकिन याद रखिए, इस बार आप गवाह को खरीद नहीं पाएंगे। कमिश्नर साहब, यहाँ हर चीज खरीदी जा सकती है। तो खरीद लो मुझको, मैं हूँ चशमदीद गवाह उनका। बोलो मेरी कीमत, लगा मेरी बोली ताकि मैं बिक जाऊं और बेच दूं लड़कियों की हिम्मत को जिन्होंने देश और समाज को सुधारने की कसम खाई है। मैं हर किस ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मत भूलिए कि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। कितनी ऊपर तक अप्रोच है उनकी बताओ, कितनी ऊपर तक? जहां तक अप्रोच है उनकी लगा लें,
मैं हिलने वाला नहीं। लेकिन आपकी कुर्सी हिल सकती है। अपना फर्ज ईमानदारी से पूरा करने के बावजूद अगर ऐसा होता है तो याद रखिए, मैं इसी कुर्सी को ठोकर मारने में देर नहीं करूंगा। ओके, मैं चलता हूँ। सुबह का अखबार पढ़ना मत भूलिएगा। जायन गद्दार ऑफिसरों की कहानियाँ छपी होंगी ताकि सारा देश इन पर थू थू कर सके, समझे? हेलो मेजर छाबड़ा अय्यर, मैं वही आपका देश सेवक बजरंगी। मुझे बस इतना ही कहना है कि सरहद के उस पार से आने वाले हथियारों को रोककर अपनी मौत को दावत मत दो मेजर। मैं अपने खून से इस धरती को सींच दूंगा मगर इसके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। एक बार फिर सोच लो। वो तो वर्दी पहनते वक्त ही सोच लिया था, तुम अपने बारे में सोचो। एक बात सुन लो, पहले भी यहाँ काफी हथियार समझ कर आ चुके हैं। शट अप! ये मत समझो कि तुम जैसे गद्दार उसे मजहब की आड़ लेकर छुपा लेंगे और देश में अशांति फैलाने में कामयाब हो जाएंगे। ये क्यों भूलते हो, इस देश में हमारे जैसे गद्दार एक दो नहीं हजारों हैं। तो कमीने सुन, इस देश की खातिर गर्दन कटवाने वाले वफादार भी लाखों हैं। देखा बच्चों, तुम्हारे डैडी कितने बहादुर हैं, फौलाद की तरह। फौलाद टूट तो जाता है मगर झुकता नहीं। हम भी कुछ कम बहादुर नहीं है मम्मी। हाँ मम्मी, अजय भैया ठीक ही कहता है। इसके लिए भगवान तुम्हें और बिट्टी दे दूंगा। हाँ। अरे पगले, सांप को गोली मार दोगे तो सपेरा कैसे कहलाओगे? लेकिन बॉस, बाहर का हम पर इतना दबाव है कि हम वक्त आने का और इंतजार नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ, वो लोग इतने हथियार जल्द से जल्द भर देना चाहते हैं कि देश में हर तरफ मौत के धमाके होने लगे, भाई का भाई दुश्मन हो जाए। हाँ, और कलम और कुदाल चलाने वाले हाथ मशीन गन और बंदूकें चलाने लगे। हाँ। हमें मेजर को सजा देने ही पड़ेगी ताकि दूसरे लोग हमारे सामने इनकार करने की हिम्मत ना कर सके। नहीं करेंगे, क्योंकि सजा बहुत सख्त होगी और हमारी सजा से तो मौत भी पनाह मांगती है। यह हुई ना बात, आज बुराई हमारी बेटियों से पनाह मांग रही है। हाँ। और इनकी बहादुरी की तारीफ सारा देश कर रहा है। लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि लड़की जात का इतना बहादुर होना अच्छा नहीं? अजा पलिए लोग, घर में बैठकर हल्दी मसाला पीसना अच्छा और देश के लिए काम करना अच्छा नहीं? भगवान ना करे उन्हें कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, हम इन लड़कियों को नहीं करने देंगे। आप लोग खुदा के लिए भाभी अपने अल्फाज वापस ले लीजिए, ये बातें कुछ शोभा नहीं देती। जब आपकी तरह वो लाखों माएं भी यही सोचना शुरू कर देंगी जिनकी औलादें सर पर कफन बांधे अपने देश की खातिर सरहदों पर खड़ी हैं, जरा सोचिए क्या होगा। यही होगा, ये धरती शहीदों के खून से लाल होने के बजाय माँ के आंसू में डूब जाएगी और हमारा देश फिर से गुलामी की जंजीरों में बंध जाएगा। तुम सब यही चाहती हो ना? अगर आपकी तरह हिंदुस्तान की हर एक मां ने यही कहना शुरू कर दिया तो कौन करेगा सरहद की रक्षा, कौन बचाएगा तिरंगे की लाज? हमें माफ कर दो, हम लोग कुछ देर के लिए भूल गई थी कि हमारे बच्चों पर हमसे ज्यादा धरती माँ का हक है। अंकल, आंटी को क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? जरूर आपने कुछ कहा होगा इसलिए वो रो रही हैं। नहीं, हम लोग तो बल्कि आप ही का जिक्र कर रहे थे। ओ तू चुप रहो, मैं दसता हूँ। दरअसल बात ये है कि ये हमसे झगड़ा कर करके रो रही थी कि हमारी बेटियों ने इतना बहादुरी का काम किया है, हम लोगों ने उनको दिता की है स्वाई भाषण के। बोलो इस कारनामे के लिए क्या इनाम चाहिए तुम लोगों को? खुल के बोलो। हम लोगों को चाहिए एक अदद भाभी। तुम्हारे बगैर हमारा दिल नहीं लगेगा, जल्दी लौट आना वरना हम तुम्हारे पास चले आएंगे। हाँ दीदी। नहीं नहीं, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। भाभी हम भी आपके साथ चलेंगे। आपको कुछ एतराज है? हाँ हाँ बिल्कुल है, मियाँ बीवी के मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वाह भाभी वाह, क्या बात कही,
फिर कलजू की भाभी जो ठहरी, जिसके घर के अंदर पांव रखते ही जलजला आ जाता है और पतिदेव पर ऐसा जादू करती है, ऐसा जादू करती है कि भाई बहन को तो छोड़ो, जन्म देने वाले माँ बाप को भूल कर फिर से पतिदेव के साथ भाग जाती है। अरे तुम तो मेरी सहेली हो, ननंद हो और बहने भी हो, मैं तुम लोगों से अलग हो जाऊं ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो मजाक कर रही थी, कौन जाने आज का ये मजाक कल हकीकत में बदल जाए। कल को आने तो दो, अगर तुम लोगों के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो हंसते हुए दे दूंगी। वैसे अगर मेरी बात का बुरा मान के तो मुझे माफ कर दो। ओए ओ सब ठीक है, ओ मैं कहता हूँ तुम कुड़ियों में से कोई नहीं जाएगा, आओ। अंकल जाने दीजिए ना, इनकी कंपनी रहेगी तो हमारा दिल भी बहल जाएगा। भैया अशोक दी ग्रेट, तुम्हें तो बुरा नहीं लग रहा है ना? अरे कैसी बातें करती हो, कभी भाई को बहनों का साथ आना बुरा लगता है क्या? खादिम हुसैन बच्चों का ख्याल रखना। टेक केयर। जाओ मेरे बच्चों, भगवान तुम्हें गंदी नजर से बचाए। तुम्हारे बाप से लाखों रुपया वसूल करके। आँखों तो कभी हमने ख्वाब में भी नहीं देखे। मैं क्लर्क हूँ, मेरी तनख्वाह से ही घर का खर्चा चलता है। मेरा बाप एक रिटायर स्कूल मास्टर है। तो तुम्हारा बाप? मेरा बाप एक मिल मालिक है, लेकिन वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। मैं कहती हूँ हमें जाने दो यहाँ से। जरूर जाने देंगे पर कुछ निचोड़ने के बाद। हाँ, हम पुलिस को खबर कर देंगे। रंगा, इस बिल्ली की म्यों म्यों सुनकर कुछ मजा नहीं आ रहा, तो बोलो इन्हें चटनी बनाऊं या कीमा? ये कीमा बनाओ या चटनी, पर कुछ ऐसा बनाओ कि मजा आ जाए। रंगा ऐसा ही करूंगा कि इसको सारी दुनिया का मजा आ जाएगा।
भूत बंगले में आया हूं तो सही जनाब, पर न होने जैसा। यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, पता नहीं ये लोग यहाँ कैसे आ गए। भाभी, हाँ? कैसी लगी ये जगह? प्यार करने के लायक है ना? धत, तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा भैया। तुम आजकल बहुत शरारती हो गया। देखो भाई, हम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते हैं, हम तो खुली हवा में घूमने चलते हैं। चलें? हाँ चलो चलो। देखिए जी, मेरी सहेलियों को कुछ मत कहिए। ठीक है, अब सब कुछ तुम्हें तो कहूंगा। ओहो, छोड़िए भी। छोड़ूंगा जरूर, मगर सब कुछ सुनाने के बाद। तो फिर सुना ही डालिए। तो फिर गौर से मेरे दिल की आवाज सुनो। छुड़ा लिया, जाओ पीछा करो।
पहाड़ी वाले गेस्ट हाउस में हनीमून मनाने आया हुआ है और उसके साथ उसकी बहनें भी हैं। क्या कहा? बहनें भी हैं? तो चलो देखते हैं चटपटा मसाला। जब से यहाँ आए हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बुरी आत्मा हमारा पीछा कर रही है। अरे आज सुबह जो वाकया हुआ उसकी बात कर रहे हो ना? अरे भूल जाओ उसे, ऐसा तो होता ही रहता है। मैं तो कहती हूँ आप भी चलो। डार्लिंग, जिसकी ताजा ताजा शादी हुई हो वो अपनी सुहागरात सफर में नहीं बंद कमरे में मनाते हैं। बस होगी शरारत शुरू। अरे नाराज क्यों होती हो, ऐसी बातें रात को नहीं सुबह शुभ देती है। शहरी फूल कहां से आ गए? ये सब उसी चूहे की बहने हैं रंगा। अच्छा, तो आज ही रात को वो सब बाहर सोती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? अगर इन्हें कुछ हो गया तो। कौन हो तुम लोग? हम वही हैं जिनका नाम सुनते ही ऊपर वाला दुम दबा के भाग जाता है। खबरदार जो आगे बढ़ा तो। ये लोग बहुत ही दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक है। हम सब गोइने इस जंगल में जो सबसे ज्यादा बोलता है ना उसे हम गीदड़ कहते हैं। और गीदड़ को कोई नहीं पालता है? उसे लोग मार देते हैं। हम भी तुम्हें मार देंगे अगर तुम लोगों के बाप ने हमें मुंह मांगी रकम ना दी। क्योंकि उन लोगों ने सरकार से मोटी मोटी रकमें हासिल की है। मुंह सवाल के बात कर, उन्हें जो कुछ भी मिला है वो उनकी वफादारी और ईमानदारी का इनाम है। तुम उन फौजी अफसरों से सब कुछ छीन लेना चाहते हो जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी? होंगे देश भक्त, हम तो रुपया भक्त हैं, रुपया भक्त, हम रुपया ही तो मांग रहे हैं। खुदा कसम वो तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं है, वो फौजी है फौजी, वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अगर वो नहीं देंगे तो तुम लोगों की लाशों को कफन में लपेट कर उन लोगों तक पहुंचा देंगे। घबराओ नहीं अनीता, हम फौजी हैं, ऐसी मुसीबतों का मुकाबला हम हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। क्यों नहीं घबराएगी? जिसकी मेहंदी का रंग भी न फीका पड़ा हो वो अपने सुहाग के मारे जाने की खबर सुन के तो घबराएगी ही। क्यों मेरी गुड़िया? जलील कमीने, हमें गाली खाने में बड़ा मजा आता है। फौजी साहब तुम गद्दार बन जाओ तो बड़े मजे में रहोगे। वफादारों का इस देश में बहुत बुरा हाल है। शर्म नहीं आती ऐसा कहते हो? तुम्हें अपने देश में रहकर अपने ही देश से गद्दारी करते हो? अरे जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो तुम। ये मत भूल कमीने, जिस दिन हमारे देश की जनता धर्म प्रांत और भाषा के झगड़े मिटाकर एक हो गई, उस दिन तुम गद्दारों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तुम मौत के लिए भी तरसोगे। इस धरती माँ की कसम तुम्हारी मौत भी हमारे ही हाथों होगी। तुम लोग बाहर कभी नहीं जा सकोगे, बाहर का सूरज कभी नहीं देख सकोगे। जिस तरह से मैंने नहीं देखा, ये लोग
कैसे जल बिन मछली, क्यों चाचा? नहीं मुझे नहीं आएगा, मजा आएगा। पिल्ला रंगा की गता है, अब मजा आएगा। ले जाओगे और बंद कर दो। अब नागराज की फुनकार इनके घरों तक पहुंच जाएगी। हम बच्चों का जल्द से जल्द पता लगा लेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप लोग पुलिस पर विश्वास रखें। भाई साहब, हमें आपका विश्वास नहीं, अपने बच्चे चाहिए। हम तो ये जानने आए हैं कि आज जब गद्दारों ने चारों तरफ आग लगा रखी है, हर दिन का अखबार धर्म और प्रांत के नाम पर दंगे, फसाद और मौत की खबरें लेकर आता है, ऐसे में आपकी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। किस बात की कोशिश कर रही है? देखिए, देश के अंदर की सुख शांति को कायम रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। न तो आप क्या चाहते हैं कि देश के अंदर के गद्दारों से निपटने के लिए आर्मी को बॉर्डर से बार बार बुलाया जाए और वो तुम्हारी ड्यूटी भी करे? नहीं नहीं, हम हरगिज ये नहीं चाहते। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो? अरे पागवान, कुछ नहीं होगा। हमारी बेटियों में फौजियों का खून है, फौजियों का। वो कोई शहर नहीं है जो कोई चाट जाएंगे। अब क्यों अपने परिवार का परिचय करा रहा भैया? ओहो, अब क्यों अपना भविष्य खराब कर रहा है? कौन है तू? अबे ये क्या कर रहा है? ये तुम्हारा पता तलाश कर रहा हूँ, एड्रेस। मेरा? यही है ना। पूछे वो किस्सा क्या है? मैं अंधा जन्म से नहीं हूँ। अच्छा। बात क्या है कि जैसे सूरज डूब जाता है ना, तो मेरी आँखें ऊपर चढ़ जाती हैं। अच्छा। इतनी सी बात है, अब पता तुम्हारा मिल गया। अच्छा, क्या काम है मुझसे? देखो काम ये है, वो लड़की है ना, लड़की, वो तुम्हें बुला रही है। लड़की यार ऊपर बुला रही है तुम्हें, निकल लो। सुबह के 5:30 बज गए हैं। मेरे देश के सच्चे रखवालो जागो, समाज के सुधार में जौन है लग जाओ, अपने शरीर को संभालो। एक बार किसी तरह इस मौत के कुएं से बाहर निकल जाए, इन लोगों के नामो निशान नहीं छोड़ेंगे। आप फिक्र मत करो अशोक बाबू, खादिम हुसैन तो पैदा ही खिदमत के लिए हुआ है। आप देखते जाओ, देखते जाओ। शाबाश, बहुत बड़ा देते हो यार। ये छोटा सा हिस्सा है, चकले खा देता हूँ। क्या दे दिया बड़े भाई? ये क्या कर दिया? ये देखो क्या हो गई मेरी। हालांकि ये देखो
यो देखो यो देखो ये जहर, ये दिया तुमने मेरे को, टकरा रहे दम निकल जाएगा मेरा, जहर दे दिया। हाँ, क्या बोलते हो? बिल्कुल सही लगा। मैं कितनी देर से ये खाना खा रहा हूँ? अच्छा, कितनी देर से? आठ घंटे से खा रहे, डेढ़ घंटे से खा रहे। अबे किसी को जल्दी चल जाता देर, किसी को देर में चलता। हाँ, देर में चलेगा, देर में चलेगा, जा रहा हूँ, देर में चलेगा। हाँ, देर में चलेगा, देर में चला, मैं चला चला चला, शाबाशी शाबाशी। लो छह घंटे की छुट्टी, निकल लो निकल लो निकल लो निकल लो। मेरी बात मानो तो लाश को बैग में डाल के पीछे से फेंक दो। अगर लाश को देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। किसी तरह हम में से कोई पुलिस तक पहुंच जाए फिर अपना काम पूरा है। किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना। बहस ना करो, वक्त बहुत कम है, जो कुछ करना है जल्दी करो। ये पहले आप करने का वक्त नहीं है भाई। कोई पीछे से आ रहा है, चलो भाग चलो, अपने अपने हथियार संभालो। मैं इनको संभालता हूं। Ha 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 ha!
बचा लीजिए, नहीं तो हमें वो मार डालेंगे। प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। भागने का क्या अंजाम होता है? इसी लड़की ने तो मेरे रंगा को जख्मी किया है ना। बहुत चालाक और हिम्मत वाली लड़की है ये, इसे तो इनाम देना ही पड़ेगा। उसी गुफा में डाल दो जहां हमारे दूसरे देशभक्त और देशभक्तनियां पल रही हैं। मुझे मारकर तुम इस देश की उम्मीदों को खत्म नहीं कर सकते। याद रख कि तुम्हारी मौत इतनी भयानक होगी कि जिसे देखकर तुम्हारी सात पुश्तें भी याद रखेगी। बहुत अच्छी दुआ दी है तुमने, मेरे जैसे देशभक्त, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। अरे धन्यवाद तुम्हारा, जा ले जाओ इस नकली देशभक्त को, जा अब बच गई तुम। जैसे वादे के मुताबिक ऊपर वाले हमें कुर्सी देना नहीं भूलते ना, वैसे ही हम तुम्हें मेडल देना नहीं भूलेंगे रंगा। तुम लोगों को मार कर मरेगी, ना खुद मरी ना हमें मार सकी। तो रंगा तेरे मुंह पर लानत, मेरे मुंह पर लानत। रंगा
तेरे ऊपर लानत। जाओ जाओ अब इसको काली गुफा में डाल दो, देखते हैं पहले ये मरती है या मरते है। कमाल है बजरंगी, जिस दिन का भी अखबार पढ़ो किसी न किसी देशभक्त के मारे जाने की खबर जरूर रहती है। तुम लोगों के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई उसकी आवाज कुचल दी, जिसने भी सर उठाया उसका सर उड़ा दिया, दिन दहाड़े मारकर यूं लापता हो जाते हो कि बस कमाल है। ये सब हमारा नहीं, तुम्हारे दिए हुए हथियारों और हमारी ट्रेनिंग का कमाल है जो हमने बाहर के देशों से जाकर ली है। रंगा और बिल्ला भी बाहर से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उनके नाम की तो दहशत है, इनका नाम ही दहशत फैलाने के लिए रखा गया है। ये कोई नहीं जानता उनका असल नाम क्या है, उनकी जात क्या है, धर्म क्या है। उन्होंने एक ही बात सीखी है, इस देश के वफादारों की नस्ल को खत्म करना, चाहे वो गैर हो या अपने। मैं इसीलिए हथियार लेने आया हूँ। बारूद और हथियार की बात तो भूल ही जाओ, सरहद पर इतनी सख्त नाकाबंदी है कि पूछो मत। मैं तुम्हें हथियार से भी ज्यादा खतरनाक आदमी दूंगा, जो बड़ी मुश्किल से बाहर से आए हैं, अगर वो जवान हिलाएं तो चारों तरफ आग लग जाए और मौत के धमाके हो जाए। बजरंगी, तुम तो हथियार लाने वाले थे ना? हाँ। खाली हाथ कैसे आए? खाली हाथ नहीं आया बॉस, 3 लाजवाब हीरे लाया हूँ, वो देखो। पर हीरे तो जहरीले होते हैं, इनमें भी जहर है। पर कहाँ है जहर? इनकी नस नस में है, चाहे इनसे कुरान पढ़ा लो और चाहे गीता, मुल्ला और पंडित भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ। तब तो ये बड़े धार्मिक हैं। धार्मिक? ये लोग पूरे शैतान हैं, शैतान। ये चाहे तो लोगों को भाषा और धर्म के नाम पे लड़ा दे, प्रांत प्रांत के बीच में दंगा करा दे। हाँ। तब तो हमें बड़ा मजा आएगा, मंदिर पर हमला करेंगे तो मस्जिद वाले हंसेंगे, मस्जिद पर हमला करेंगे तो मंदिर वाले हंसेंगे, गुरुद्वारे पर हमला करेंगे तो मंदिर और मस्जिद वाले हंसेंगे, देश प्रांत प्रांत में बढ़ जाएगा, भाई भाई के खून का प्यासा हो जाएगा, मजहब मजहब में लड़ाई हो जाएगी, हमारे बास की ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। ये तो सब कुछ रंगा देश में हो रहा है, लेकिन ये हथियार क्यों नहीं लाया? बोल, हथियार क्यों नहीं लाया? रंगा, चोपड़ा ने नाक में दम कर रखा है, वो कहता है जीऊंगा तो तिरंगे की आन और शान के लिए, मरूंगा तो तिरंगे की आन और शान के लिए, पर देश में नाजायज हथियार नहीं आने दूंगा। क्या कहता है? तिरंगे की आन और शान तो ठीक है, नाम उसकी यार रहने देंगे और ना शान। मैंने तुम जैसे बहुत बदमाश देखे हैं, इधर जाओ, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करो, चुपचाप जीप में बैठ जाओ, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा, चलो हाथ ऊपर बैठो। मैं कह रहा हूं बदमाशों को चारों तरफ से घेर लो। तुम इन पिल्लों को लेकर भागो, मैं इन्हें संभालता हूं। आ!
शैतान कर रहे हैं। कोई गोली नहीं चलाएगा। अब मेरी इज्जत लूटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर गोली जलाना बंद न की तो समझो मेरी इज्जत लूट गई। हाय, अब मेरी इज्जत लूट गई। पुलिस अंकल, गोली चलाना बंद कर दो, मेरी बहन की इज्जत खतरे में है। ये क्या? तबाह कर दें, मुझे मार डालें, पर मैं इस धरती माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तुम इतने पत्थर क्यों हो गए हो? पत्थर तो मैं तब होता जब दोनों बच्चों की जिंदगी की खातिर इन हजारों लाखों करोड़ों की जिंदगी का सौदा इन गद्दारों के साथ कर लेता। तो क्या आप मेरे बच्चों को यहाँ ही छोड़ दोगे? क्या तुम चाहती कि बाहर से हथियारों को यहाँ आने दूं? क्या तुम चाहती कि यहाँ खून की होली खेली जाए? क्या तुम चाहती कि हमारे तिरंगे की आबरू खतरे में पड़ जाए? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने सारे असूल उनके कदमों पर रख दूं ताकि उसे ठोकर मार सके? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं उनका दलाल बन जाऊं, उनके दरवाजे का कुत्ता बनकर उनके इशारे पर दुम हिलाऊं? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा सुहाग गद्दारों के पांव की धूल बन जाए? एक हिंदुस्तानी औरत होकर क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकोगी? मैं नहीं चाहती, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। तुम नहीं चाहोगी, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम वो औरत हो जिसने अपने सुहाग को जंग पर भेजते वक्त आंखों में आंसू नहीं आने दिए। औरत का गम तुम्हारी आंखों में आंसू छलका सकता है, उनका गुलाम नहीं बना सकता। रूई की तरह मुलायम और सेंट की तरह खुशबूदार। नहीं चाचा, ये तो बहुत बड़े देशभक्त की बेटी है। दुश्मन की बेटी के साथ दुश्मनी करने का बड़ा मजा आएगा। हाँ। हाँ। नहीं, तुम लोग नहीं, तुम भी नहीं। अब देखता हूँ मेजर की आन और शान को, देखता हूँ वो हथियार कैसे नहीं आने देता। अगर नहीं आने देगा तो हम अपने हथियारों से इन्हें। नहीं भाया नहीं, मैं तो इस आफत के साथ मौत की आग मुचोली खेलूंगा चाचा, जरूर खेलूंगा। ठीक है बिल्ला, ले जाओ उस नागन और नगीने को और इन पर अंधेरे का कफन डाल दो। अरे आंटी, तुम गीता, अजय, ये लोग हमें मार देंगे। आंटी हमें बचा लो, आंटी हमें बचा लो, आंटी हमें बचा लो, आंटी आंटी बचा लो। ईमानदारी का यही नतीजा होता है, लेकिन तुम लोग घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे होते हुए मैं कुछ नहीं होने दूंगी। जीत हमेशा सच्चाई की हुई है और हमेशा सच्चाई की रहेगी। वो लोग हमारी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए, हमने चपा चपा छान मारा, यहां तक धर्मस्थानों को भी नहीं छोड़ा, लेकिन सर हम कुछ नहीं कर सके। शट अप, तुम लोगों को तो उनको देखते ही दबोच लेना चाहिए था। हम क्या करते सर, हमारे हथियारों से ज्यादा अच्छे और दूर मार करने वाले हथियार उन लोगों के पास थे। लेकिन उनके पास ऐसे हथियार आते कहां से हैं? आते कहां से हैं? बाहर के देशों से आते हैं। हमारे देश की तरक्की उनकी आंखों की चुभन बन गई है, इसलिए उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है के पास हमें सामने से ललकाने की हिम्मत नहीं। जी, और अब यहाँ हथियार सप्लाई करके वो हमारी अंदरूनी हालत खराब करने पर तुले हुए हैं। कमिश्नर साहब, वो अपनी साजिशों में सिर्फ इसीलिए कामयाब हैं क्योंकि देश के गद्दार हम लोगों में ही छुपे बैठे हैं। और उन गद्दारों ने मुझसे भी सौदेबाजी करनी चाहिए। क्या कहा, सौदेबाजी? किस चीज की सौदेबाजी? इन्होंने बॉर्डर के उस पार से स्मगल होके आने वाले नजायज हथियारों पर रोक लगा दी थी, उन्होंने धमकी दी और पूरी कर दी। ये थी सौदेबाजी। दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बच्चों को ढूंढ निकालने के लिए हम जमीन और आसमान एक कर देंगे। हर माँ बाप के लिए औलाद उसकी कमजोरी होती है और ये कमजोरी मुझसे छीन ली गई। अब कोई तूफान मेरा रास्ता नहीं रोक सकता।
सुनो, हथियारों की स्मगलिंग बंद होनी चाहिए। गद्दार चाहे दूसरे देश का हो या अपने देश का, गद्दार गद्दार है, उसे देखते ही गोली मार दो। शूट एट साइट। मेजर छाबड़ा ने ना सिर्फ हथियारों पर पाबंदी लगाई है, बॉर्डर पर और सपहरा कर दिया है। हमारे कुछ आदमी भी पकड़ लिए बॉस, जो धार्मिक जगहों पर छुपे हुए थे। लगता है मेजर छाबड़ा ने करेले बहुत खाए हुए। अब उसे नीम की पत्तियां चबानी पड़ेंगी। दंगा जा, ये शिक्षा तो निकाल लेने दे। याद है ना, वफादार बाप की औलाद है, इसलिए तड़पा तड़पा कर। बिल्ला करती जाओ, वरना मेरे बिल्ला का हाथ इस मुलायम गर्दन में छेद कर देगा। रुको मत, सर झुका क्यों बैठी हो? कुर्बानी देने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि और भी बड़ा हो जाता है। ये क्यों भूल जाते हो कि ये जिस्म मिट्टी का है, एक दिन तो इसे मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, महान है, इसलिए तुम महान हो। और तुम आज भी वही सहेली हो और भाभी भी। भाभी, भगवान शंकर ने भी तो दूसरों को बचाने के लिए जहर पी लिया था। भाभी, जीसस भी तो दूसरों के लिए सूली पर चढ़े थे। खुदा कसम, करबला के शहीदों को कौन नहीं जानता। उनके प्यासे होंठों पर पानी की बजाय उनका ही खून टपकाया गया था। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने दोनों बच्चों की कुर्बानी दी थी। इन सब की इज्जत की जाती है, ये सब पूजे जाते हैं, और तुम कुर्बानी देकर भी खुद को छोटा समझती हो। तो क्या तुमने मुझे स्वीकार कर लिया? तुम सिर्फ स्वीकार करने लायक ही नहीं, बल्कि पूजने लायक भी हो। भाभी मेरे सपनों की रानी, कहाँ गई तुम? कहाँ गई? कहाँ गई? मैं गई भाई, मैं गया हूँ, मैं गया। पर जाऊँ नहीं, तुम मेरे सपनों
आपकी रानी है। रानी नहीं, मैं सैफ हूँ। नहीं, तू मेरे सपनों की रानी है। मैं सिर्फ सैफ हूँ। तू प्रजात नहीं, मेरी प्रजाती है। हजूर, एक ही लाश से प्रजात से प्रजाती कैसे बन गया? अगर नहीं बने तो बना के छोड़ूंगा, अपने सपने को साकार करके रहूंगा। उसके मुंह पर नहीं थी जो तुम्हारे मुंह पर है। क्या? चल ले जा, ले जा। रंगा ठाना करना, रंगा ठाना करना, रंगा ठाना करना। मैं कोई तरबूज नहीं हूँ रंगा, मैं कोई तरबूज नहीं हूँ। तू उससे भी ज्यादा हसीन है मेरी रानी। कितनी हसीन लग रही हो तुम। फिर भी कह रहा हूँ रंगा, मैं तुम्हारी रानी नहीं हूँ, मैं तो गया प्रचार हूँ। नहीं, तू मेरे सपनों की रानी है। ऐसा कर, मैं तो गया प्रचार हूँ, मैं तो गया प्रचार हूँ, मैं तो गया प्रचार हूँ। तुमने देश के गद्दारों और कमीनों के सामने सर नहीं झुकाया। तुम लोगों की मौत मौत नहीं, जिंदगी है। मौत तो उन भेड़ियों की है जिन्होंने देशभक्तों को ललकारा है। तुमने अपने बाप की तरह बहादुरी का सबूत दिया, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। खुदा की कसम, तुम्हारी मौत हमारे लिए एक सबक है। Thank you.
बुजदिल है वो जिन लोगों ने ये मेरे बच्चों की राख भेजी है। ओए, हमारे फलादी इरादों को दुश्मन के बारूद की आग नहीं बुझा सकी, तो ये बच्चों की राह क्या बुझाएगी? खुदा की कसम, उन्होंने हमें ललकारा है और ऐसे में हमने हमेशा दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। नौटंकी वाला है क्या है लड़की?
खादिम हुसैन, इन लोगों ने यहाँ पे इतनी नाकाबंदी करके रखी है कि यहाँ से कोई भी बाहर जाने की कोशिश करे वह तो मौत के मुंह में गया। अरे यहाँ से तो बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। अशोक बाबू, अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान, जब तक खादिम हुसैन जिंदा है ना, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। आप बैठिए, मैं निकाल के देखता हूँ रास्ता। हमला करता नीचे से, और नीचे से फौजी पे हमला करना, तो आगे से हमला करो। है अबे तुझे मालूम नहीं क्या, मैं उमदा उमदा खाने खाता हूँ, छोड़ दे, समझे, बढ़िया खाने खाता हूँ। देख जैसे मुझे शौक है आलू का, मुझे शौक है गोभी खाने का, मुझे शौक है अपने ये चटपटे मसालेदार खाने का, समझे, इसका क्या रिजल्ट होता है नहीं मालूम ना। अबे छोड़ दे, देख फंस जाएगा मुसीबत में, ये मसालेदार रिजल्ट निकलेगा ना तो तेरे कान और नाक सब मुसीबत में आ जाएंगे, छोड़ दे। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। आए थे हमें मारने। अरे रंगा, सब देशभक्त और देशभक्तनिया टीवी देख रहे हैं। देखने दो, देखने दो, टीवी उन्हीं के लिए रखा है ताकि वो अपनी आंखों से जल्दी देशभक्ति का अंजाम देख लें। घर के चिराग से ही घर में आग लग गई, हमारी माँ को हमसे छीन लिया। माँ, तूने हमेशा ही देश की औरतों को तरक्की का रास्ता दिखाया, उनका अधिकार उनको दिलाने की कोशिश करती रही, आज हमारा सबसे बड़ा सहारा हमसे छीन लिया गया, आज हम अनाथ हो गए। माँ, आज हमारी बेटियों के इम्तिहान का वक्त है, माँ उनको भी चाहे तेरी तरह कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। माँ, माँ मैं बताऊँ, मुझे यकीन है कि हमारी बेटियां, हमारी बेटियां अपना फर्ज पूरा करेंगी। माँ, अरे फौजी की बेटी हो कर रो रही हो, कसम खुदा की मैं भी एक फौजी हूँ और मैंने तुम फौजियों का नमक खाया है, कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि उस नमक को हलाल करके बताऊंगा। देखो बेटा, ये बारूद का गोदाम है, तुम यहाँ से बारूद का इस्तेमाल करो और एक एक देशद्रोही का सीना छल्ली कर डालो, बाकी मैं सबको छुड़वाने का इंतजाम करता हूँ। आगे अल्लाह। अगर तू चाहती है कि तेरा दाग मिट जाए, अगर तू चाहती है कि देश के दुश्मनों का नाश हो, अगर तू चाहती है कि तेरी बहनें और तेरा सुहाग बच जाए, तो मिटा दे अपनी हस्ती को। औरत का जन्म ही सती होने के लिए होता है, तू भी सती हो जा, सती हो जा। इस समझ से तो बाहर आखिर ये सब कैसे हो गया? बॉस, सिर्फ हम ही नहीं इस देश का सौदा करने वाले। इसका मतलब है, हो जाए कोई और दुश्मन हमारी आल लेकर काम कर गया हो, करे कोई भुगते कोई, कुछ भी हो हमें तो रुपए से मतलब है। दुश्मन नहीं, देश की भी गद्दार है भाभी, चलाओ गोली। ये राक्षस रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अपनी धरती माँ के टुकड़े कर देना चाहते हैं, ये देश के दुश्मन है भाभी, भाभी मैं कहती हूँ गोली चलाओ भाभी। तुम लोगों ने भाई से भाई को लड़ा दिया, मजहब से मजहब को लड़ा दिया। अब करो भाषण।
गोली चला कमीने, तेरे गोली चलाते ही ये बारूद फटते ही तेरे नापाक इरादे मिट्टी में मिल जाएंगे कमीने। इसमें गोली तो है पर हम गोली नहीं चलाएंगे, गोली चलाएंगे तो बम फटेगा तो हम सब मर जाएंगे। क्यों नहीं चलाओगे? एक औरत से डर गए? वही औरत जिसे तुम कमजोर और अबला समझते हो? वही औरत जिसे रंडी और रखेल समझकर बिस्तर की तरह रौंदा जाता है? क्यों जान लेने और देने पर तुली हुई हो? हम जो कुछ भी कर रहे हैं देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। जिस तिरंगे की रक्षा हमारी माँ ने आखिरी दम तक की, उसी तिरंगे की आन और शान के लिए यहाँ की हर नारी सती होने को तैयार है और हर मर्द शहीद होने को तैयार है। अरे जिंदगी तो मिटने के लिए होती है, मिट जाएगी, मगर मिटते मिटते भी इस देश की धरती को लाल कर जाएगी और ये लाली मौत का अंधेरा बनकर तुम सब लोगों को ढस लेगी। तुम देश के गद्दारों पर कोई धोखे का भी नहीं। इससे पहले कि एकता की मशाल जल उठे, हिंदू अर्जुन का तीर बनकर, मुसलमान हैदर की तलवार बनकर और सिख गुरु की कृपान बनकर जय हिंद का नारा लगाकर तुम गद्दारों पर टूट पड़े, अब भी वक्त है तिरंगे के सामने अपने आप को झुका दो। बुजदिल डर क्यों गया? चला गोली, मैं कहती हूँ चला गोली। मैं गोली नहीं चलाऊंगा। तो आओ मेरे गले लग जाओ, जिन हाथों की मेहंदी तुमने फीकी कर दी थी उन्हें लाल कर दो। आओ गले लग जाओ कबीरा। पगली कहीं की कहती है गले लग जाओ, देखती नहीं बम लगे हुए हैं। तेरे गले लगते ही ऐसा ना हो कि ऊपर वाले के साथ हमेशा के लिए गले लग जाऊं। इससे पहले तेरे गले लग जाऊं तू अपने साथियों को हमेशा के लिए ऊपर वाले के साथ गले लगते हुए देख ले।
अरे अरे बेटा तुम रो रही हो, ये रोने का वक्त ही है, दुआ का वक्त है। दुआ करो अपने वतन की खिदमत के लिए मुझ जैसे खादिम हुसैन हमेशा पैदा होते रहे। रो मत बेटा, रो मत। अच्छा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। आदम खोल, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। थे कि इस देश में भाई भाई के खून का प्यासा हो चुका, ये देश प्रांत प्रांत में बढ़ चुका है, इसलिए हमने तुम लोगों को हथियार दिए, रुपया दिया, बारूद दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला कि पूरी कोशिश के बावजूद हमने अलग नहीं कर सके और पहली बार हमें मुंह की खानी पड़ी है। ये आपस में चाहे जितना खून बहाए, गला काटे, मगर वक्त आने पर सर पर कफन बांध एक हो जाते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? होगा क्या, तुम्हें तो सिर्फ हमने एक मोहरा बनाया था ताकि इस देश की एकता को हमेशा के लिए खत्म कर सके, जो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है। यहाँ की एकता तो खत्म नहीं कर सके, लेकिन हमने तुम लोगों की आड़ लेकर अपना काम पूरा कर लिया है। तुमने जो बोया है तुम ही काटो, हम तो फूट डलवाने के पुजारी हैं, एकता के नहीं, हम तो जा रहे हैं। ओ
जिंदाबाद। कल तक तो भारत मुर्दाबाद था, आज भारत जिंदाबाद कैसे हो गया? इसलिए कि जिनके तुम तलवे चाटते थे वो तुम्हें छोड़कर चले गए। कमीने, आज मैं तुझे बताता हूँ कि हमारे देश की एकता क्या है। मेरे बम और मेरे इकरार और मेरी साजिश कोई आती है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बात कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या कहा? छोड़ दे? अरे तुझ जैसे पापी को छोड़ना इस धरती का बोझ बढ़ाना है। वो तुम ही हो ना जिसने भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की, जिसने धर्म धर्म में फूट डाली, जिसने जात और प्रांत के नाम पर दंग। जिसने राम नानक और चिश्ती की धरती को बदनाम किया। नहीं, वो तुम ही हो ना जिसने हमारे हरे भरे गुलिस्तान को उजाड़ना चाहा। नहीं, नहीं, नहीं। जिसने तिरंगे के रंगों को अलग करना चाहा। मुझे माफ कर दो, 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 मुझे माफ कर दो। जिनका थूकता हुआ तू चाहता रहा। अरे बुलाओ ने, जो लहराते हुए तिरंगे को पांव से रोंदना चाहते हैं, ये वही बारूद है कमीने जिसे हमें बर्बाद करने के लिए तूने बाहर से मंगवाया था। अब यही बारूद तेरी जान लेगा। नहीं, नहीं, नहीं। हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं तो दुश्मनों का गला भी घोंट सकते हैं। एक बात सुन ले कमीने, हम औरतों ने सिर्फ चूड़ियां पहनना ही नहीं सीखा, वक्त आने पर बंदूक चलाना भी जानते हैं। और मरने से पहले एक बार फिर सुन ले, हमारा देश अमर था, अमर है और अमर रहेगा। और इसकी एकता को जो कोई भी खत्म करना चाहेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। मैं तो चाहता हूँ।